पहले तो पहले तो बाहर करती थी, अब घर में भी करती है। मेरे साथ अत्ता जल्दी घर का। हेलो गाइस, माय नेम इज मैडी, मैडी के प्रेम में आपको स्वागत है। गाइस मैं आपको हेल्पिंग वीडियो के साथ, इन भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, इनकी प्रॉब्लम है कि इनकी वाइफ जो है उसने इनकी हालत ख़राब कर दी है, और सबसे बड़ी बात है इनकी मम्मी के साथ इतनी गंदी मारपीट करती है, ये समझ लो कि उनकी चुटिया पकड़ पकड़ के मारती है, इतना बुरा हाल कर रखा ना। इसने ही मुझे बताया, आंटी जी ने मुझे बताया कि इस तरह से वो इनके साथ इतना गलत करती है। जब से शादी हुई है मतलब इनका जीना हराम कर दिया, इनके पूरे घर में जो है ना मतलब इतना बुरा हाल कर रखा बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत ही ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा परेशान है। ऊपर से एक नया लड़का और फंसा रखा उसने, इसको 1% भाव नहीं देती, इससे ना बोलती ना कुछ करती, मतलब इसको पति पत्नी वाला कोई वो ही नहीं दे रखा है इसे, मतलब ये तो समझ लो कि उसने घर में किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करा हुआ। बताओ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, सारी चीज़ बताओ। मेरे को भाव नहीं देती, इन्हें मारती है पीटती है और कहती है घर से निकल जाओ, मुझे घर से निकालती है। हाँ। दूसरा लड़का फंसा रखी है उसके साथ, मतलब दूसरे लड़के के साथ घूम रही है खुलेआम। हाँ। खुलेआम दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, भाव नहीं देती। और मतलब से भी लड़ाई करती है। एक चीज बता मुझे कि तेरी मम्मी के साथ वो किस किस तरह से मारपीट कर रही है, एक बार हमारी जनता को सारी चीज बता ना। वो खाना बनाती है, कहती मैं नहीं बना के दे रही, तुम जाओ यहाँ से, हमें घर दोनों को घर से बाहर निकालती है। अभी आंटी जी बता रही थी कि वो छुट्टियां पकड़ पकड़ के मारती है, धक्का मुक्की करती है, इतना ज्यादा हाल खराब कर रखा घर में, तुम्हें कोई खाने को नहीं दे रही। अब रुक जा, अब आंटी जी बताओ जरा क्या परेशान करके रखा भैया। बच्चा मेरी बहू जो है उसको जब से लाए तब से ना घर का काम करती ना कुछ करती है, मारती पीटती भी ना, खाने को देती ना कुछ देती है, और मेरे को घर से निकालने की धमकी देती है। तो मतलब तुम्हें जो है तुमने फिर उसे रोका है, इसने रोका तो फिर धमकियां दे रही है, पुलिस की धमकियां दे रही है, पुलिस की धमकी देती है, कहती है कि घर से निकल जाओ और मेरे नाम पे वसीयत कर दो क्योंकि मेरा घर है। हाँ, और कहती तुम लोग निकल जाओ, मैं भी बेटे को बोलती हूं। तो तुमने उसके घर वालों से बोला? उनके घर वालों से बोला, उन लोगों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुनी तुम्हारी, मेरा पति भी मर चुका, मेरा बेटे को लेके कहां जाए। तुम आंटी परेशान मत हो, आप रो मत, बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है ना, इस चीज का हल जरूर निकलेगा, और टेंशन मत, तुम सही जगह आयो। अभी उसने एक बात बताओ, वो लड़के के साथ खुलेआम घूम रही है? हाँ, खुलेआम लड़की पहले तो बाहर तक घूमती थी, अब तो घर में भी लेके आके चली आती है, घर में दारू पीती है, सब कुछ करती है। कैसे बचे, बचा लो बेटा। चलो परेशान मत हो, टेंशन मत, बचाने वाला तो ऊपर वाला है, तुम बेफिक्र रहो, लेकिन मैं बैठा हूँ ना, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कैमरे के पीछे जाऊँगा, उसे आने दो यहाँ पे, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी टीम भी यहाँ खड़ी है, ठीक है ना, यहाँ बैठे रहो, एक बार हमें प्रूफ मिल जाएगा फिर लास्ट में तुम्हें वीडियो दूंगा, ठीक है ना। हाँ बुढ़े, तूने क्यों बुलाया मेरे को आज? बहुत बिगड़ गई है, अब बोल के छोड़ दो बेटा, छोड़ दो तेरे भी भी तेरे साथ रहने का, छोड़ शादी हुई है तेरी, छोड़ दो बेटा, छोड़ बेटे को, छोड़ दे, क्या ऐसा कर रहा है, क्या ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे बेटा, ऐसा क्यों कर रहे, तेरे बस की नहीं है, तभी तो मेरे साथ घूम रही है, वो घूम रही है क्या, मेरी पति है ये, मेरे साथ रहेगी, ये मेरी पत्नी है, बच्चे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तू साइड पर पहले, ऐसा मत करो, ऐसा क्यों, खाना तो मैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो, छोड़ दे, जो कहेंगे
छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे, छोड़ दे बहू, छोड़ दे मेरे, मैं तुम्हारे पैर पकड़ी, छोड़ दे मेरे बेटे को, मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरी बीबी है, छोड़ दे बेटा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ ली, छोड़ दे मेरे बेटे को, मेरे बेटे को छोड़ दे, मुर्गा बना कर छोड़ा ना, इसने बहुत तंग कर दिया ना, जब एक 10 बार बोले इसके साथ में खुश खुश लड़के था, तू कौन था बोलने वाला, बैठ बस ऐसा मत, तो दूर रह, ऐसा मत कर, हम जंगली लड़के ने क्या कर दिया मेरा हाथ, देख देख तू जंगली लड़के ने हाथ पकड़, तूने देख जंगली लड़के तू क्या कर छोड़ बेटा, बेटा तो छोड़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ी बेटा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ, बहुत मार दिया, खाने को भी नहीं देती, मेरा पति नहीं, क्या कैसे तू, बहुत अत्याचार करती मेरी बहू मेरे को, क्या लगे है तेरी बर्तन भैया अपनी माँ के साथ यही करा मेरी माँ को कैसे आवाज बंदा हो रही है अभी कौन है तूने शादी करी क्यों फिर इसका घर बर्बाद करने के लिए इसका घर बर्बाद कर दिया तूने कर दिया पूरा घर मेरे माँ को और माँ के साथ ऐसा कर रही है रोने दिख रहा भी अच्छा तूने जो यहाँ पे सारा का सारा करा वो सारा का मैं कोई भी हूँ तुझे बता दूंगा तुझे कौन हूँ तू यही सोच रही थी क्या इसकी तरह समझ रही थी क्या जो है ना वो भाई भाई बहुत अत्याचार करती है घर से पहले तो घर से बाहर जाती थी घर में आ जाती है अब तो घर में ही दारू पीती है सब कुछ करती है मेरे साथ अत्याचार भी घर का काम भी करवाती है बहुत बहुत कुछ करती है इससे बहुत अत्याचार करती है मुझे बचा लीजिए भैया ये दोनों मिलके जो है साजिश कर रहे हैं दोनों मिलके दोनों लोग मिलके साजिश करते साला तुमने जो है ना कितना बुरा हाल कर रखा है इनके घर का इनका माहौल बिगाड़ रखा तूने पहले तो घर में ही करती थी बाहर भी जाती कैसे बहुत अच्छा था ये पता नहीं कहाँ घूमती रहती है घर में हम जो है घर पे ला रही पहले तो बाहर करती थी घर में कर दिया अत्याचार करती है सारा जो है ज्वेलरी लेकर लाइफ हेयर बना दिया पूरी तेरी अभी ये वो बंदा हो रही है कर दियो वरना फोड़ समझ लेगा किसी और बोलना हाँ पूरी लाइफ कर दी खराब समझ आई घर में सारा कार्य करती है पहले तो बाहर करती थी अब घर में भी करती है लगा के दिखा लगे इसमें
रखी है इसमें मैंने इतना दिन तेरा प्रचार किया तुमने बहुत किया क्यों सर इतना किया तुमने मैं तेरे हाथ जोड़ दी यहाँ को आए इधर को कभी बताऊ आइए जरा इधर आओ तुमने साले बदमाश बनना दोनों के दोनों मार रहे हो इन्हें मिल के सारी की सारी अकड़ निकाल दो देख ले कैमरा लगा हुआ मैड के प्रैंक नाम से सुन ले मैड के प्रैंक नाम से चल रहा है समझ आई और ये जो सारी अकड़ निकाल दो रिकॉर्ड हो गया इधर इधर क्या कह रही तू क्या क्या कह रही थी कि पैर पकड़ यहाँ पे पैर पकड़ पैर पैर पकड़ ले इंडिया भी लगे पैर पकड़ ले पैर पकड़ पैर पकड़े पैर पकड़ उसके भी खड़ा हो खड़ा मार रही थी ए खड़ा ये जो वीडियो है ना मैडी मैं तेरा जो ना सारा दिमाग सेंटर में कर दूं और सुन जो ज्वेलरी लेके गई है ना वो सारी की सारी इनके पास होनी चाहिए समझ गई तो इसका बनाओ इसका मैं लेके जा इसे बना रहा हूं अभी क्या बोल हां जोड़ ये माफ ना करने की यार यहां से जो है ना दफा हो ले यहाँ से एक सेकंड में इसे भी लेके जा यहाँ से चल निकल यहाँ से चलो बैठ इधर तो यार देख रहे हो यार मतलब अपनी सास माँ समान सास के साथ इतना बुरा हाल और इतना बुरा अत्याचार इतना ज़्यादा करा हुआ है यार और इस बेचारे के साथ इसकी क्या गलती थी मतलब अरेंज मैरिज करा दी तो इसका मतलब कुछ भी करेगी अपने जो बॉयफ्रेंड के साथ खुलेआम घूम रही है अंदर आ रही है और इनके साथ इतना बुरा व्यवहार करा हुआ है यार समझ नहीं आता ऐसा क्यों ठीक है अब ये वीडियो दूंगा अपने पास रखो ठीक है ना एज अ प्रूफ अब जो है पुलिस वालों को दिखा के अगर ये हरकतबाजी करे फिर दोबारा घर में आए तो ये अपना मामला ख़त्म करो ठीक है ना वीडियो बढ़िया लो लाइक करो कमेंट करो और शेयर करो नीचे सोशल मीडिया 01 करो उसी जगह फॉलो करो।